हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी फिलहाल मेरे साथ में राहुल और यहाँ दिलीप बैठा हुआ है। तो आज का वीडियो ब्लॉग टाइप का नहीं होगा, आज का वीडियो जो पुपरी के आदमी है उन्हीं के लिए है, जो जिसको नेटवेट पुपरी से थोड़ा दूर भी होगा तो चलेगा 25-30 किलोमीटर के अंदर में, तो उन्हीं के लिए है। तो दिलीप जो काम करता है नेट का, काम क्या करता है उसका अपना ही काम है, तो वही दिलीप बताएगा क्या है कैसे है। तो दिलीप अपने बारे में कुछ बताओ और क्या तुम्हारा काम है उसके बारे में बताओ। काम मेरा यहाँ मेरी एक कंपनी चलती है, इन्फिनिटी इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है लोगों को। एयरटेल से टाई अप हुआ है मेरा और ब्रॉडबैंड लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे वायरलेस और ऑप्टिकल फाइबर दोनों लगाते हैं। वायरलेस तो पुपरी से बाहर हो गया तो वायरलेस ब्रॉडबैंड चलता है, ऑप्टिकल फाइबर जो हो गया पुपरी में ही, जैसे पुपरी के आसपास में जैसे हो गया चारों बगल पुपरी में चलता है ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, ये दोनों में वायरलेस और ये ऑप्टिकल फाइबर में कुछ तो होगा ना अंतर, नेट का कुछ जैसे प्रॉब्लम वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वायरलेस हो गया, जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं है उसके लिए वायरलेस हो गया, और ऑप्टिकल फाइबर जहाँ पर फाइबर है तो फाइबर से अच्छा कनेक्टिविटी मिलता है। अच्छा, वो नेट मतलब MBPS पे इफेक्ट नहीं करता है, जैसे 25 MBPS दोनों में 25 ही मिलेगा या कम? ऐसा भी नहीं है, ऐसे मतलब मान्य 100 MBPS से ज़्यादा वायरलेस में नहीं मिलता है कनेक्शन, 100 MBPS से ज़्यादा नहीं। जैसे वायरलेस फाइबर पे है तो 200-300 MBPS तक का प्लान मिल जाता है, और वायरलेस में नहीं मिल पाता है इतना। और मतलब क्या कहते हैं कि अगर 100 MBPS से ज़्यादा प्लान अगर वायरलेस को लोग लेता है तो मान लीजिए कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, उसके माध्यम से हम प्रोवाइड करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अच्छा, जो आदमी मतलब जो भी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आदमी के मन में ये रहता है कन्फ्यूजन, जैसे हमको लिमिटेड डेटा मिलेगा मतलब या अनलिमिटेड? मेरा सारा अनलिमिटेड प्लान है, जितना मन उतना हम यूज कर सकते हैं। 300 MBPS का प्लान लीजिएगा वो भी अनलिमिटेड है, स्पीड पे डिपेंड करता है, पेमेंट भी स्पीड के हिसाब से ही होता है। अगर हम 50 MBPS लेते हैं और दिन भर में हम करीबन 20-30 GB यूज करते हैं, 100 GB भी यूज कीजिए उससे कोई मतलब नहीं, जितना मन उतना यूज कर सकते हैं। 30 दिन तक का प्लान, ये नहीं कि 28 दिन तक, 30 दिन तक का पूरा प्लान है ये। अच्छा, अगर पुपरी से जो देख रहा है तो वहाँ तो ऑप्टिकल फाइबर हो ही जाएगा, अगर पुपरी से कितना दूर तक के आदमी के लिए ये प्रोवाइड? कम से कम 20 किलोमीटर दूर तक प्रोवाइड हो जाता है, 50-100 MBPS तक का प्लान मिल जाएगा। और वायरलेस कितना दूर तक? 100 MBPS नहीं, ऑप्टिकल फाइबर कितना दूर तक दे सकते? आसपास में लगभग सब तक चारों बगल जाए, जितना भी चौक है पुपरी के लगभग आसपास, भामा हो गया, इधर जंतुपट्टी हो गया, इधर मधुबनी चौक, इधर आवापुर में भी उठ रही है, आवापुर तक है लगभग सब कुछ फाइबर ही है। अच्छा, तो कनेक्शन का कैसे क्या सीन रहता है? कनेक्शन का मान लीजिए कुछ भी नहीं है, जैसे पुपरी में है तो सिर्फ मंथली प्लान लगता है और इंटरनेट मिल जाता है, कोई कॉस्ट नहीं है। वैसे वायरलेस है तो वायरलेस में थोड़ा सा कॉस्ट है। अच्छा। और 6 महीने के प्लान अगर एक साथ लेते हैं पूर्व में तो कोई भी प्लान पे भी आपको इंस्टॉलेशन नहीं देना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन चार्ज मतलब उसमें राउटर वेन्यू वगैरह सब आप लगा के दीजिएगा? सब हम लेते हैं। अच्छा, प्लान का कैसे क्या रहता है? प्लान 10 MBPS से लेकर 300 MBPS का प्लान कुकड़ी में उपलब्ध है, 10, 25, 50, 75, 100। 10 MBPS का 300 रुपये है, 25 MBPS का 400 रुपये है, और 50 MBPS का 500 रुपये है, 75 MBPS का 600, 100 MBPS का 899 रुपये। अच्छा, अगर कोई चैनल का नाम बोलता है तो कुछ होगा? 3 महीने में ये चैनल फ्री मिल जाएगा। फ्री मिलेगा? अच्छा, ये यही सिस्टम है तुम्हारा सिस्टम? अच्छा, और ये सब क्या है इसके बारे में कुछ बताना? जिससे इंटरनेट चलता है, इसे एक छोटा सा कंट्रोल रूम है आगे ऊपर बनाया हुआ है टावर वगैरह सारा कुछ के लिए। यहाँ से मॉनिटराइज करने के लिए सिस्टम रखे हुए हैं इसको नीचे। अच्छा, और ऊपर चढ़ने में सही नहीं लगता, ऊपर चढ़ने में थक जाता है आदमी, इसे ये छोटा सा नीचे रख लिया है कि यहाँ से मॉनिटराइज हो जाए सिस्टम सारा। अच्छा, कस्टमर सबका ये रहता है जैसे आपसे हम कनेक्शन लिए तो कनेक्शन लेने के बाद नेट संबंधी कोई प्रॉब्लम होता है तो कैसे मतलब? ये सब सिस्टम सारा, तो आप उसका तुरंत ये कर देते हैं ना? तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता है, 15 मिनट के अंदर में, अगर वायर कट रहा होगा तो 45 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाता है। ऑफलाइन कुछ भी दिक्कत होता है, मान लीजिए सर्वर से कोई दिक्कत है तो 30 मिनट के अंदर हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। वायर कट गया कहीं से तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 घंटा भी ज़्यादा जाता है कभी कभी। अगर आपसे सीधा अगर किसी को संपर्क करना हो तो कहाँ पे मिले? बाजार समिति के पास मेरा ऑफिस है छोटा सा। अच्छा, ऑफिस पे? और कॉल का ऐसे ज़्यादातर ऑफिस बंद ही रहता है, ऑनलाइन काम होता है तो कॉल पे हम लोग आ जाते हैं, कॉल कीजिए हम आपके पास। हाँ, नंबर वगैरह हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एड्रेस नंबर दिलीप का हर चीज़। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा।
तो आज दिलीप ही बोलेगा वीडियो के साथ क्या करना है। बस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बस हमारे साथ कनेक्शन लगवा लीजिए के कारण और इसको देखिए वेल लाइक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।